हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स 365 पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनको पता है क्या करना है। सबसे पहले रेड बटन को टच करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, या फिर जो पुराने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब वक्त आ गया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या फिर ऊपर आई बटन दबाएंगे और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में देखिएगा, क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा, आप मेमोरी टेस्ट पूरा कंप्लीट करिएगा, फिर इमीडिएट फिगर करिएगा, सभी के प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट लगाइएगा, वो दोनों टेस्ट कंप्लीट करा दिए गए हैं। एडिशनल क्लासेस बाद में वक्त मिलता है तो दे दी जाएंगी, और इमीडिएट फिगर टेस्ट भी करा दिया गया है। तो अब ये दो टेस्ट कंप्लीट हो गए। ये तीसरा टेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको पिछली क्लास में दे दिया गया है, क्लास नंबर 17 आप देख लीजिएगा। अब ये है क्लास नंबर 18 और इसमें दिया जाएगा आपको प्रैक्टिस सेट। तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो पहले पिछली क्लास देखेंगे, उसके बाद इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करने के बाद आपको दिया जाएगा आंसर की, और आंसर की आप मैच करिएगा। मैच करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इतना काम आपको करना है और ये सब काम आपका मुश्किल से 10 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट का टेस्ट रहेगा और बाकी सब चीज़ों के लिए 5 मिनट आपके। अब आप पेन और पेपर निकाल लीजिए और मैं बताता हूँ, आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन और वक्त मिलेगा 5 मिनट का। यानी आपको एक क्वेश्चन कम से कम 12 सेकंड में बना लेना ऑन एवरेज। तो 10 से 12 सेकंड, मतलब 10 आप आदत डालिए कि 10 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन बन जाए। तो 10 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन करना है। तो यानी आपकी स्क्रीन पे अभी मैं दूंगा आपको दो क्वेश्चन, और दो क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलेगा 20 से 24 सेकंड के बीच में, यानी 20x23x24 सेकंड का टाइम आपको मिल सकता है दो क्वेश्चन के लिए। और एक क्वेश्चन होगा अगर लास्ट में तो उसके लिए आपको मिलेगा 10 सेकंड या 12 सेकंड का टाइम। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आप उसका ऑप्शन लिखते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को चला के छोड़ देना है और स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस ऑप्शंस आते जाएंगे, आपको उनको देखते जाना है और पेन और कॉपी से अपने नोटबुक पर या पेपर पर जो सही आंसर है उसको लिखते जाना है। 5 मिनट के बाद आपके सामने आंसर की आ जाएगी। ठीक है, तब आप आंसर की मैच कर लीजिएगा और लास्ट में स्कोर को कमेंट करके बता दीजिएगा। अब आप पेन और पेपर निकाल लें, वीडियो को रोके और पेन और पेपर निकाल लें। आपके सामने ये रहे दो क्वेश्चन।
आशा करते हैं आप सभी ने अपने क्वेश्चंस को क्वेश्चंस का रिस्पांस या आंसर मार्क कर लिया होगा और आपने अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे। अब आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सभी जगह पर शेयर कर दीजिए अभी, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। ठीक, अब चलते हैं आंसर पर। अब आपको दिया जाएगा आंसर की मैच करने के बाद आपको कमेंट करना है। ठीक है, आंसर की मैच करने के बाद कमेंट करना है। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस के आंसर, आपकी स्क्रीन पर रहेंगे एक से दो मिनट तक। आप इसको मैच करिए और मैच करने के बाद आपको आंसर कमेंट करना है। और मैं समझता हूँ अब आपने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आपको लाइक करना बनता है, इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हैं। अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ और आप एक लाइक और शेयर तो कर सकते हैं। अपने आंसर्स मैच करिए और बताइएगा कि आपका स्कोर क्या बना। और अगर कॉन्सेप्ट की क्लास आपने नहीं देखी है तो वो क्लास भी आप पीछे जाकर देख सकते हैं, और इसके पहले जो बाकी के दो टेस्ट कराए गए हैं उनकी क्लासेस देख सकते हैं। इस टेस्ट को कराने के बाद आपके लिए नया टाइप का जो टेस्ट है वो लाया जाएगा, और कोशिश रहेगी आपके एग्जाम से पहले सारे टेस्ट कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।